अब हम जा रहे हैं सिलीबेरी डैम, सिलीबेरी एनिकट या फिर मालेटा एनिकट। आ गई है एनिकट। हाँ कहाँ जा रहे हो आप? पानी एनिकट पे। जंगल के अंदर जाने दिए थे, जहाँ हो पाया वहाँ तो कोई नहीं रोक। वहाँ भी तो ना आज नहीं रोक सही। चल तो रही है ना वीडियो। लुकिंग एयरफोन लगाने का, कब बना था, किस लिए बनाया गया था, कहाँ का पानी आता है, कुछ जानकारी। ये तो ऊपर है वो सैमसंग है, उनसे आप कॉन्टैक्ट करो तो। क्योंकि आज तक ये गूगल पे ही नहीं है, लेकिन डाल में रखा। आप कहाँ से हो, कौन हो? मेरा यूट्यूब पे चैनल है डीएल न्यूज का। अच्छा हाँ, तो ये मैंने देखा। कितनी गहराई है इसकी? गहराई पहले ज़्यादा थी, अब तो 7-8 की है। तो कुछ ही बता दो ना इसके बारे में, ऐसे ही बता दो। ए, हम तो देखो नए आए हैं, पहले ये मकान वगैरह ये तो राजा महाराजा टाइम के बने हुए हैं। अच्छा, ऊपर है कोई ऐसा बताने लायक? ऊपर तो वो है श्याम सुंदर है तो सही, वो आप उनको ये राजा महाराजा ने यहाँ ये नीचे ऊपर वाला मकान है वो तो फॉरेस्ट ने बनाया है। अच्छा, ये हमारे यहाँ 2 महीने ड्यूटी लगते हैं, फिर 2 महीने आ जाते हैं। सुना है हमने कि ये गांव वाले बता रहे हैं ये राजा महाराजा के टाइम का ये बना हुआ है, सरकार के लिए अभी ये झरना पहले 24 घंटे बैठा रहता था, और फिर ये एनिकट बनाने के बाद ही वो झरना बंद हो गया, ऊपर मिट्टी आने से ये झरना भरता चला गया, दब गया, मिट्टी आने से वो बंद हो गया, फिर ये एनिकट का ही पानी यहाँ पर जमा रहता। ये तो हमेशा रहता होगा यहाँ पर? ये तो हमेशा रहता है, इसमें कछुए भी है। क्या नाम है इसका ओरिजिनल, क्या नाम है, मतलब सिलीबेरी कुछ ऐसा सुना है मैंने नाम। सिलीबेरी है ये लिखा हुआ है परमेश द्वारा, सिलीबेरी का वालेटा रेंज अकबरपुरा। चलो मैं उनसे एक बार संपर्क। सब डलेंगे तो दोस्तों आज हम आगे हैं सिलीबेरी नाम से, ये एनिकट है जैसा कि आप देख रहे हो। सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ये पांडू पोल से मात्र 10 किलोमीटर दर अकबरपुर क्षेत्र में आता है ये, और बालेटा गांव से 10 या 12 किलोमीटर आगे ये स्थान है। बहुत ही सुंदर है, यहाँ के लोकल आदमियों का कहना है कि ये निकट वन्य जीवों को पानी पीने के लिए यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए इस वजह से बनाया गया था। और अभी हम यहाँ के जो वन रक्षक है उनके पास जाते हैं, उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। वन एवं वन्य जीव सुरक्षा चौकी सिलीबेरी, ये जो आप चौकी देख रहे हैं, ये किसी टाइम राजा महाराजा ने अपने शिकार के लिए, यहाँ पे शिकार जो करने आते थे राजा महाराजा, उनके लिए एक छोटा सा भवन बनाया था जहाँ पर ये सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठा सके और वो शिकार कर सके। लेकिन अब यहाँ पर वन विभाग की चौकी है तो यहाँ पर जो भी वनपाल होंगे
उनसे इस एनिकट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। ये क्या है? ये कुआ है, ये कुआ है इसके कॉर्नर पर जिसमें पानी अवेलेबल है अभी। नज़ारा देखा, खूबसूरत नज़ारा। वो हमारी स्कूटी खड़ी हुई है वहाँ पर, स्कूटी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र करके जंगलों में यहाँ पर यहाँ पर तो कोई ना है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी, इसकी वीडियो बनाने आए हैं मैडम, तो थोड़ी जानकारी दोनों आ रही है कुछ यहाँ के बारे में। भाई साहब यहाँ के बारे में क्या जानकारी लोगे? जैसे कि एनिकट कब बनाया, किस लिए बनाया गया, ये गूगल पे अभी तक है नहीं, ना तो गूगल पे है या ना यूट्यूब पे, तो इसकी वीडियो डालनी है हमको आज। यार डिटेल तो मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी 2016 में आया हूं, पता नहीं। वो उन्होंने कहा कि उनकन जाओ, ये बने हुए पहले से बने हुए, मेरे को तो पता नहीं भाई। कुछ तो दो यार खड़े होकर जानकारी दो ताकि वीडियो में लगे तो सही। यार हां वनपाल से मिले हम वहां पे। आप किस काम आती चौकी वन्य जीवों के लिए या फिर? बंद कर दो। तो दोस्तों ये है वो चौकी जो सिलीबेरी जो ये डैम है एनिकट जो है इसके ऊपर ये चौकी बनाई गई है, और चौकी बहुत ज़्यादा पुरानी है। किसी समय में बताया जाता है कि ये राजा महाराजाओं ने बनाई थी अपने शिकार करने के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ये यहाँ से शिकार करने के लिए बनाए गए थे। और ये जो कॉर्नर पर स्टील की जो रोड लगा के बनाए गए, ये भी शिकार करने के पर्पज़ से उस टाइम बनाए गए थे। दोनों कोनों पर आपको ये दिखेंगे, लेकिन अब ये चौकी वन विभाग के अधीन है, तो यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी रहते हैं जो यहाँ पर सुरक्षा करते हैं वन्य जीवों की, और यहाँ पर कोई अवैध पेड़ वगैरह की कोई कटिंग नहीं करते। इस वजह से यहाँ की सुरक्षा के लिए अब ये चौकी वन विभाग के अधीन कर दी गई है, और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसके ऊपर से ये वीडियो बना रहे हैं।